मनोज आप देख रहे हैं। हाँ स्ट्रेट टेक्निकल मनोज। तो गाइज मैंने सब देख सकते हैं लेटेस्ट वर्जन है ओके और मैं सब 8.10.25 का रिव्यू देने वाला हूँ आज, क्योंकि ये एक अच्छे रोम है, प्रो से बहुत बेहतर है, बोलते हैं उसको MIUI प्रो के बाप। तो गाइज बिना डेरी के शुरू करते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब लाइक कीजिए शेयर कीजिए थैंक यू। चलते हैं, मेरा तबियत थोड़ा बहुत खराब है, फेवर हो चुका था मेरे को, तो इसलिए मैं आपको आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद भी, तो इसलिए तो एक लाइक तो बनता है। तो गाइज देखते हैं उसका रिव्यू और इसमें क्या क्या इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलते हैं, तो गाइज आप डिस्प्ले फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो ऑप्शन है आपको सेटिंग्स पे आपको जाएंगे, इस तरह कुछ इंटरफेस आपको मिलता है ओके। तो वोल्टी आपको साइड में मिल जाता है, फ्रंट स्टाइल वगैरह वगैरह मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ मिलता है, जो भी मिलता है अच्छा ही मिलता है ओके। तो सेटिंग्स में आपको जाएंगे तो आपको MIUI वर्जन 8.10.25 पर ऑन करता है। अवेयरनेस सॉफ्ट का एक रोम है इंडोनेशियन से मेड बाय, तो आप देखेंगे ऑल स्पेसिफिक्स में जाएंगे तो ये है मेरा रेडमी 4 ओके। तो रेडमी 4 ये है टोटल रिव्यू और 7.1.2 नॉवर्ट में चलता है अभी ओके। तो ये टोटली सेटिंग्स है और कुछ तीन सेटिंग्स में मिल जाता है, जिस तरह के मिलता है MIUI प्रो में आपको पता होगा, MIUI प्रो का नहीं दिखा है तो मैं कार्ड में और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, देख सकते हैं। आपको प्रॉपर नेटवर्क पे जाएंगे तो आपको लॉक का ऑप्शन मिल जाता है, जो बहुत अच्छी बात है, आपका नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है तो आप उसको लॉक करके यूज़ कर सकते हो ओके। तो ये भी इस तरह का कुछ मिलता है और वेटिंग फॉर सिलेक्शन सिम प्लान्स यहाँ पे मिल जाता है, और आपको एक्स्ट्रा फीचर नहीं, एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पे है तो लिखा हुआ है एक्स्ट्रा फीचर एंड मोर, आप उसमें जाएंगे तो आपको डिस्प्ले सेटिंग्स मिल जाएगा ओके। डिस्प्ले सेटिंग से ब्लर उसको सिस्टम एनिमेशन जैसे कि MIUI प्रो में होता था उसको एडजस्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं बार का टाइम है और उसका जो टाइम्स वगैरह स्क्रीन ऑन टाइम उसका राउंड कॉर्नर उसको मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको राउंड करने की कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन सेट करने की कोई जरूरत भी नहीं है। स्टार्टस बार पे जाएंगे तो स्टार्टस बार आपको ISO मिल जाता है, मैंने ISO रखा हुआ है, iOS एंड्रॉइड बहुत सारा ऑप्शन जैसे को मिल जाता है देख सकते हैं ओके। स्टार्टस बार सेंटर क्लॉक एंड सेंटर नोटिफाइंग और बहुत इंटरेस्टिंग कस्टमाइज करने के लिए मिल जाता है। ये बहुत अच्छी रोम था और उसको थोड़ा बहुत बॉक्स था, अभी वो बॉक्स कम्प्लीटली फिक्स हो चुका है जैसे कि ऑफिशियल स्टेबल की तरह ओके। मैं अभी डेली टाइम में उसको यूज़ करने वाला हूँ। और आपको बैटरी में देखेंगे तो बैटरी ऑप्शन इस तरह का मिल जाता है, आपको उसको कस्टमाइजेबल कर सके नोटिफिकेशन के साथ। और स्मार्ट नेटवर्क में जाएंगे तो एक्टिव रिबूट करने के बाद वो 5 GHz के में एक्टिवेट हो जाता है, स्मार्ट नेटवर्क उसको मैनेज कर सकते हैं। आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा, तो इंस्टॉल वीडियो देखने के लिए आपको वीडियो क्लास तक देखना होगा। चलिए देखते हैं और मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाता है जैसे कि चार्जिंग साउंड वगैरह साउंड मैनेजमेंट करने के लिए मिल जाता है, फिर पावर में मिलता है एडवांस सेटिंग जिसको बोलते हैं इस तरह का आपको मिल जाता है, और सिक्योरिटी में मिल जाता है आपको इस तरह का कुछ सेटिंग्स और की बात होता है। और इसमें आपको थीम्स आप थर्ड पार्टी थीम्स को आसानी से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या जो भी थीम आप चाहें उसको भी इम्पोर्ट करके यूज़ भी कर सकते हैं। तो साउंड में जाएंगे इस तरह का साउंड कुछ मिल जाता है ओके। साउंड पैनल आप देख सकते हो ओके। तो लॉक स्क्रीन में जाएंगे आपको गाइज आपको फेस अनलॉक इसमें मिल जाता है, देख सकते हैं मैनेज फेस ID मैं उसको रखा हुआ हूँ, तो देख सकते हैं मैं अभी फेस अनलॉक कर लूँगा ओके। थोड़ा डिले होता है या क्योंकि मेरा कैमरा अभी फ्रंट में है तो आपको यह फेस नहीं रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो आप देखेंगे तो मैं लाइट ऑफ कर लेता हूँ तो आईडी ब्राइटनेस ऑफ है, सेंसर लाइट में ब्लिंकिंग कर रहता है ओके, देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन मिलता है। और फिंगरप्रिंट भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं रेडमी प्रोडक्ट्स के लिए, और यहाँ पे बहुत सारा कस्टमाइजेबल उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप नोटिफिकेशन सेटिंग्स पे जाएंगे, नोटिफिकेशन बहुत सारी ऑप्शन मिल जाता है देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन मिल जाते हैं, नोटिफिकेशन स्टाइल कैसे आपको मैनेज करना है MIUI एंड्रॉइड जैसा, और यहाँ पे नोटिफिकेशन को फोल्डर भी कर सकते हैं ओके। ये बहुत अच्छी चीज़ है जो आप नोटिफिकेशन फोल्डर भी कर सकते हो, उसके साथ नोटिफिकेशन आइकन वगैरह चूज कर सकते हो, और इसमें फुल स्क्रीन डिस्प्ले यानी जो गैस्ट्रो मिल जाता है, आप रेडमी 4X में भी गैस्ट्रो यूज़ कर सकते हो आसानी से, नो भी प्रॉब्लम होगा। ये सॉफ्ट बटन है, आपको गैस्ट्रो पसंद नहीं है तो आप यहाँ पे जो सॉफ्ट बटन होता है उसको भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हार्डवेयर बटन दिया गया है, बट मैं प्रेफर करता हूँ आप गैस्ट्रो ही यूज़ कीजिए क्योंकि आपका मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जाएंगे बैटरी परफॉर्मेंस, इसमें आपको बैटरी बहुत अच्छी अमेजिंग मिलता है, मैं तब से थम्स अप क्योंकि मैंने 24 आवर्स हो गया यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे तो बैटरी यूजेस में जाऊँगा तो टोटली इस तरह के कुछ ऐप्स मैंने यूज़ किया है, टोटली मैंने जो यूजेस ऐप्स है उसको डाल रखा है, मैं 2 दिन 1 दिन हो गया है मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मेरा चार्ज है अभी 28% है ओके। स्क्रीन ऑन टाइम था कुछ आपको देख देता हूँ, बैटरी यूजेस में जाएंगे, इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, इस तरह के कुछ नोटिफिकेशन और सिक्योरिटी ऑप्शन मिल जाता है ओके। तो आपको ड्रेनिंग बैटरी क्या होता है मिल जाता है, अब मैं आपको बैटरी यूजेस दिखा देता हूँ ओके गाइस। जैसे आप देखेंगे मेरा बैटरी यूजेस यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम देखेंगे ओके गाइस, लिटरली आप देखेंगे 6 आवर ऑन 55 मिनट हो चुका है, यानी 7 आवर्स हो चुका है, अभी भी 28% बाकी है, क्योंकि मैंने कभी कभार थोड़ा बहुत चार्ज किया था, यानी 5 से 10% तक मैंने चार्ज कर लिया था, तो इसलिए आप देख सकते हो 7 आवर ओनली कंप्लीट होने वाला है ओके। अभी 28% यानी 30% जैसे चार्ज है, और इस सब कुछ स्क्रीन ऑन टाइम ऑब्वियसली मिल जाता है। तो यहाँ पे आप कुछ चूज़ कर सकते हैं, आपको परफॉर्मेंस मोड चाहिए या बैलेंस मोड चाहिए, आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
थीमिंग दिया गया है, थीमिंग सिस्टम दिया गया है। अब डेवलपर सेटिंग ऑब्वियसली मिल जाता है और यहाँ पे नोटिफिकेशन लाइव भी मिल जाता है। आपको दोनों फ्लैश दूंगा, दोनों पैचेस दूंगा, उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो आप गुजी कैम और आपका जो स्टॉक कैमरा है इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आप नोटिफिकेशन के कॉलर से अभी मेरे फोन से काम नहीं करता है क्योंकि मेरा फोन वाइट कलर ही प्रोड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे प्राइवेट सेटिंग इसमें इतना कुछ खास नहीं है, इस तरह का कुछ ऑब्वियसली चीज़ मिल जाता है जो आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये है इंडोनेशिया का कुछ मॉडल ये MIUI प्रो जैसा कि आप यूज़ कर सकते हैं आसानी से, बट आप कस्टम यूजर है तो आप यूज़ कीजिए, नहीं तो आप डेली यूज बेसिक्स में उसको यूज़ करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकता है क्योंकि इंडोनेशिया का एक मॉडल्ड ऐप्स मॉडल्ड सॉफ्टवेयर है जो भी फोन से आपके डाटा की रहता है तो आपको हैक हो सकते हैं। तो इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है इसमें, इसमें दिया गया है। प्रोविजन से जाएंगे, रूट एक्सेस मिल जाता है, जो भी रूट ऐप्स मांगेगा उसको रूट भी कर लीजिए क्योंकि मेरे पास मैं अभी रूट नहीं किया क्योंकि ये इंडोनेशिया का एक ऐप है, इसमें आपका डाटा भी लीक हो जाए, ब्रीच भी हो सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखे उसको यूज़ करना है। रूट करेंगे तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसमें देख सकते हो ये मेरा स्टॉक कैमरा है, ओके गाइस, ये मेरा स्टॉक कैमरा और इसमें आपको मेरा जो जी कैम्स में इंस्टॉल कर रखा हूँ, ओके गाइस। तो यहाँ पे बहुत सारा ऐप्स देख सकते हैं, मैंने डेली बेसिक्स पे उसको यूज़ की, ये यूज़ कर रहा था, यूज़ भी कर रहा है। तो गाइस देख सकते हो जी कैम भी काम कर रहा है और यहाँ पे स्टॉक कैमरा भी काम, ये बहुत अच्छी। तबीयत थोड़ा ख़राब है तो आपको थोड़ा बहुत वीडियो देना है, नहीं तो क्या होंगे और आगे बहुत ब्रेक होने वाला है, तो इसलिए तो देख सकते हैं इस तरह का कुछ ऑप्शन मिल जाता है और उसमें बहुत अच्छी मिलता है बैटरी वैक बहुत अच्छा मिलता है। ड्रेनिंग आप बात करेंगे तो रातों में 40% था, अभी सुबह में देखेंगे तो 1% बैटरी यानी 39% हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है जो MIUI प्रो में भी नहीं के साथ लाइक कीजिए, थैंक यू। आपको फोन इंस्टॉल होना चाहिए और उसके बाद उसमें TWRP इंस्टॉल होना चाहिए कि आपका फोन टोटली लिटरली डाटा को बैकअप करना है, जैसे कि आप बैकअप पता होगा तो आपको डाटा बैकअप जाके स्वाइप अप करके आप बैकअप भी कर सकते हैं, स्वाइप सेलेक्ट करके बैकअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको टोटल यहाँ पे वाइप पे आना है, ओके स्वाइप पे आएंगे, एडवांस स्वाइप पे आएंगे, टोटल यहाँ पे डबी सिस्टम कैचर डेटा, ओके गाइस। तो अभी ना सब HM4X ग्लोबल 8.10.25 ओके। उसके बाद इस तरह कुछ क्लास कर लेंगे, उसके बाद दूसरे पैच अभी ना सब उसको इंस्टॉल करेंगे क्या, उसके बाद पैच को इंस्टॉल करके स्वाइप कर देने के बाद वो काम कर ले जाएगा और पैनिक नहीं मत हुई है, उसके बाद रिबूट हो जाएगा।